नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और दूध आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और ये गर्म होने के लिए गैस चूल्हे पर चढ़ा हुआ है। ये 2 लीटर दूध है, तो इसको गर्म करने के लिए थोड़ा तेज़ आंच करनी पड़ेगी, तभी टाइम से हो पाएगा, ना वरना बहुत टाइम लगेगा। अब देखते हैं अभी थोड़ी देर में कि इसमें उबाल किस तरह से आती है। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, वरना दूध उबल करके बाहर निकल जाएगा। बहुत तेज़ी से उबलता है, क्योंकि बर्तन जो है वो बिल्कुल उसके थोड़ा सा नीचे तक ही इसमें दूध भरा हुआ है। अगर ज़रा सा भी उबाल मारी तो सीधे बाहर। आप लोग भी बहुत केयर करते होंगे, सभी लोग जब वो दूध उबालते होंगे। और कई लोगों के यहाँ अक्सर दूध उबल जाता है, हमारे यहाँ भी कभी कभी ज़रा सा भी चूक जाए तो उबल जाता है। और उसमें दोस्तों कितना नुकसान होता है, गैस साफ़ करो, टाइम बर्बाद कीजिए, दूध तो गया गया। देखिए ये दूध धीरे धीरे भी उबाल की तरफ आने वाला है। गैस को हमने पूरा फुल कर रखा हुआ है। ये दूध गाय और भैंस का मिक्स है। वैसे तो गाय और भैंस का अलग अलग मंगाते हैं, लेकिन आज एक ही में मिक्स कर दिया है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल उबाल धीरे धीरे आने वाला है दूध में। बहुत केयर रखना पड़ेगा, थोड़ी सी गैस हल्की सी कम कर दे ताकि अच्छे से दूध पक जाए, वरना ये तो सीधे उबाल मार देगा। ये हमने थोड़ी सी गैस कम कर दी, अब धीरे धीरे उबाल आएगा। ये देखिए बुलबुले टाइप थोड़े थोड़े ऐसे इसमें बन चुके हैं, इसको झाग भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ ये धीरे धीरे दूध बढ़ेगा, अभी बहुत केयर रखना पड़ता है इसमें। अगर फुल गैस करते हैं अभी तुरंत उबाल आ जाएगा। देखिए थोड़ा ब्लेम कम कर दिया है गैस का, थोड़ा धीरे धीरे पक जाए, नहीं वरना अभी एकदम से उबाल आ जाएगा। फिर भी अभी थोड़ी देर में ही उबाल आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें ऊपर की तरफ हल्का हल्का झाग बन रहा है। इसकी यही निशानी है दूध उबलने की, बस कि अब ये थोड़ी देर में ही उबल जाएगा, एक बॉयल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा हल्का आंच कर दिया है ताकि अच्छी तरह से पक जाए, वरना अभी तुरंत तेज़ कर दें एकदम से उबाल मार देगा। देखिए काफ़ी गुब्बारा टाइप बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी लेवल पर नीचे है दूध, और अभी देखना थोड़ी देर में ही सीधे ऊपर को आ जाएगा। देखिए काफ़ी कुछ आ चुका है, हमें जल्दी बंद करना पड़ेगी इसकी नोक। ये पोजीशन, ओ देखिए बिल्कुल इस तरफ ऊपर तक आ गया है लगभग, जबकि धीमी आंच है, वरना तक तो बिल्कुल बाहर कर देता है दूध को। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर तक आ रहा है, अब बंद कर देते हैं नॉब को। उसने बिल्कुल देखिए अब गैस बंद, गली मत रहे कि दूध बाहर नहीं गिरा, अंदर ही रहा है। अब ये धीरे धीरे अपने लेवल तक पहुंच जाएगा और इसको अब ढक देते हैं। तो दोस्तों ये दूध उबल चुका है, अब इसका जो यूज होगा वो कुछ चाय में ही होगा, बाकी खाने में होगा। तो दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बाय बाय।